अब देख सकते हो एक एक साबुदाने की बॉल्स खुली हुई है, कितना बढ़िया खिचड़ी बन करके रेडी हुई है। आप इसे जब चाहे व्रत में ना बना करके खा सकते हैं, व्रत वाला नमक यूज करके। तो चलिए गाइज बनाना शुरू करते हैं साबुदाना की खिचड़ी व्रत स्पेशल। आप जब चाहे इसे घर पे बनाइएगा, हमारी टिप्स से टेस्टी भी बनेगी और आपको भरपूर एनर्जी भी देगी। तो चलिए साबुदाना की खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए मैंने साबुदाने लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। मैंने इनको है ना 4 से 6 घंटे के लिए भिगो करके छोड़ दिया था, तो ये अब अच्छे से भीग करके फूल करके बिल्कुल से तैयार हो चुके हैं। तो ये है साबुदाना, इसके साथ मैंने नींबू का जूस लिया है, जीरा लिया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 पीस आलू, थोड़ी सी हरी मिर्च और करी पत्ते और 1 चम्मच घी। गैस पे मैंने पैन टिका दिया है और पैन के अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा ऑयल। तो ये थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे पैन के अंदर, जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो हम इसके अंदर जीरा तड़काएंगे। तो हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो हम इसके अंदर जीरा तड़का लेते हैं और इसके साथ ही मैं डाल देती हूँ ये करी पत्ते। अच्छे से तड़क गए हैं तो ये मिर्ची डाल देते हैं हम, इनको भी 1 मिनट के लिए ऐसे रोस्ट कर लेते हैं। अब डाल देंगे हमने जो 2 पीस आलू लिए थे, आलू को मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और इसके अंदर डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक हम इनको अच्छे से पकाएंगे। तो 1 मिनट हो चुका है तो अब हम डाल देते हैं अपनी साबुदाने। और ये डाल देते हैं घी भी साथ में, ताकि साबुदाने हमारे नीचे चिपके नहीं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये मूंगफली के जो सिंग दाने होते हैं ना उसका पाउडर। सिंग दाने को थोड़ा सा आप क्रश करके पीस लें और उसका पाउडर बना करके इसके अंदर डाल दें। इसके साथ आप चाहे तो थोड़ा सा मीठा यानी शुगर डाल सकते हैं। तो अब मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, जो व्रत में खाते हैं ना वो वाला नमक हम यूज करेंगे, क्योंकि व्रत के लिए हम बना रहे हैं। तो ये मैंने लिया व्रत वाला नमक और ये इसके अंदर डाल देंगे। और थोड़ी सी मैं डालूंगी शुगर पाउडर। तो अब अच्छे से इन सब को मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर तो हल्का हल्का मिठास भी आएगा। तो अब मुझे लग रहा है कि हमारी जो अच्छे से पक चुके हैं, आप देख सकते हो एकदम से बढ़िया से तैयार हो गए हैं एकदम साबुदाने, जो है ना कहीं भी आप देख सकते हो व्हाइट नहीं है, एक एक दाना खुला हुआ है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा नींबू का जूस और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देती हूँ और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 मिनट तक हम इन्हें और अभी पकने देंगे ताकि सबका अच्छे से फ्लेवर आ जाए अंदर। तो नींबू का जूस आप चाहे तो डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। देखिए 2 मिनट हो गए हैं और हमारी साबुदाना की खिचड़ी बहुत ही बेहतरीन सी तैयार हो गई। अब देख सकते हो एकदम से खुली खुली बहुत ही बढ़िया सी। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए सो सुपर। अब पके या नहीं पके आप इसमें से एक दाना लीजिए, जैसे देखिए ये वाला और ये देखिए आप
एकदम से पक चुका है दाना आपका। तो इस हमारी साबुदाने की खिचड़ी तैयार है। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। कलर देखिए, एक एक दाना कितना बढ़िया बना है। वाओ, सो सरप्राइज। तो देखा ना दोस्तों, एक एक दाना खुला हुआ है हमारी साबुदाने की खिचड़ी का। टेस्ट में भी भरपूर एनर्जी देने वाली है, व्रत स्पेशल खिचड़ी है ये। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।